जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रंजन शिशि आज पुनः आप सभी का 6 नवंबर एवं 7 नवंबर का दैनिक राशिफल लेकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। और आज का राशिफल प्रारंभ करने से पहले मैं उन सभी व्यक्तियों को जिनका आज यानी 6 नवंबर को या फिर कल यानी 7 नवंबर को जन्मदिन है या मैरिज एनिवर्सरी है, ऐसे सभी लोगों को अपनी तरफ से, स्वामी राज ऋषि की तरफ से और इस शनि पीठ मंदिर के पीठाधीश भगवान शनि देव की तरफ से आप सभी के जीवन में मंगल कामना, सुख शांति और सौभाग्य की प्रार्थना करता हूं और जन्मदिन और मैरिज एनिवर्सरी की बधाइयां देता हूं। बात करूंगा मैं तुला राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। तुला राशि वाले व्यक्तियों, आपका सारा फोकस जो अभी तक अपने कार्यस्थल को लेकर था, अब वो फोकस चेंज होकर आपके धन के भंडारों की तरफ आप केंद्रित होंगे। किसी भी तरीके से आपकी मेहनत के फलस्वरूप, आपके परिश्रम के फलस्वरूप आपको उसी के अनुपात में लक्ष्मी जी का आगमन आपके तिजोरियों में लगातार बना रहे। जबकि 6 नवंबर के लिए आपका लक्की नंबर बनता है लक्की नंबर 1, जबकि 7 नवंबर के लिए आपका लक्की नंबर बनेगा लक्की नंबर 2। और यहाँ मैं जब मैं बात कर रहा हूँ, आप अपने स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा सा लापरवाह मत रहिए। अचानक से बहुत सारे सरकारी बिल आपको परेशान कर सकते हैं, सरकारी नोटिसों से आपको परेशानी हो सकती है और अगर आप झगड़ा इत्यादि करेंगे तो निश्चित रूप से आपको और अधिक परेशानी हो सकती है। तो थोड़ा अपने क्रोध पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करें, ब्लड प्रेशर को भी मत बढ़ने दीजिएगा। यहाँ पर बात करूँगा स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट निश्चित रूप से पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा करने का प्रयास करना प्रारंभ कर चुके हैं। तुला राशि वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ तो उनका ऐसा करना निश्चित रूप से उनके कैरियर को मजबूत करेगा, उनको जीवन में आने वाले दिनों में बहुत लाभ प्रदान करेगा अपना मोरल। इसी प्रकार से पढ़ाई लिखाई में बनाए रखिए। जो प्रेम युवक युवतियाँ प्रेम संबंधों में, उनके प्रेम संबंधों में नए आयाम जुड़ेंगे और प्रेम संबंधों में वो बहुत अधिक खुशियाँ प्राप्त करेंगे। यहाँ पर जीवन साथी के साथ भी आप अच्छे से बिहेव करने में कामयाब होंगे। फिर हालांकि कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी और अड़चन आपको फिर भी परेशान करेगी। ऐसी स्थिति में ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद लेकर अगर आप नित्य प्रति अपने दिन का आरंभ करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। भाग्य के हालात निश्चित रूप से आपके पक्ष में हैं और कार्यस्थल पर निश्चित रूप से अभी तक आप जो मेहनत कर रहे थे उसके परिणाम आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छे संकेत हैं। किंतु खर्चे की अधिकता की वजह से, किसी विशेष व्यक्ति पर किए गए खर्च की वजह से आप परेशान हो सकते हैं। अपने क्रोध को नियंत्रण में रखें, अनावश्यक क्रोध आपके लिए काफी नुकसानदायी हो सकता है। और यहाँ पर अगर आपसे कहना चाहूंगा, अगर किसी भी परेशानी को लेकर आप परेशान हैं तो आप बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर फोन करके, हमारे यहाँ लगने वाले हर शनिवार को जो जनता दरबार लगता है, जो 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली में लगता है शनिपीठ मंदिर में, वहाँ आकर अपनी सभी प्रकार की परेशानियों को सुबह 11 बजे से 5 बजे के बीच में अगर आप आएंगे तो निश्चित रूप से मैं और स्वामी राजर्षि आपको आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से आपको आपकी परेशानियों को देखते हुए उपाय फ्री ऑफ कॉस्ट बताएंगे, बिना किसी फीस के आपको उपाय बताएंगे शनिवार के दिन। जय शनिदेव। जी गुरुदेव नमस्कार। मैं श्रीनिवास पशुपलेटी गुजरात वडोदरा से बोल रहा हूँ। गुरुजी आपका दिया हुआ लॉकेट में धारण किया हूँ, शुरुआत में काफी अच्छे काम हुआ है, हेल्थ भी अच्छे हो गया है। बात करूंगा वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। वृश्चिक राशि वालों, 6 नवंबर के लिए आपका लक्की नंबर बनता है लक्की नंबर 9, जबकि 7 नवंबर के लिए आपका लक्की नंबर बनेगा लक्की नंबर 1। यहां पर वृश्चिक राशि वाले आपसे कहना चाहूंगा, आप अपने भाग्य को लेकर जब वो बहुत ज्यादा फोकस थे, अब आपका रुझान अपनी नौकरी को लेकर, अपने व्यापार को लेकर बहुत तेजी से नई नई योजनाएं बनाने के लिए आप कार्य करेंगे और उनको क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे। ये आपके पास अच्छा मौका है, इस मौके का फायदा उठाइए और अपनी नौकरी को या अपने व्यापार में आगे बढ़ने का प्रयास करिए। हालांकि जो स्टूडेंट्स हैं
जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, कंप्लीट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, या प्रमोशन इंक्रीजमेंट की तैयारी कर रहे थे, एमपी एमएलए काउंसलर का टिकट ढूंढ रहे थे, उनको निराशा का सामना करना पड़ेगा। जो स्टूडेंट है उनका मन पढ़ाई लिखाई से विचलित होगा। माँ बाप ध्यान दें, अगर बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो कैसे कार्य चलेगा। तो ऐसे समय पर उसके छोटे से उपाय के द्वारा आप उसे मदद पहुंचा सकते हैं, गारंटी से उसको फायदा होगा। हमारा छोटा सा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का उपाय जो केवल साल में एक बार करना होता है, उसको करके गारंटी से फायदा होगा, चाहे आपका बच्चा किसी भी क्लास में किसी भी एग्जाम में की तैयारी क्यों ना कर रहा हो। यहां पर बात करूंगा आपके धन के भंडारों की। आपके धन के भंडारों में निश्चित रूप से लक्ष्मी जी का आगमन तो होता है, लेकिन खर्चे की अधिकता की वजह से आपको कर्जा इत्यादि लेने की संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, कर्जों से बचने का प्रयास करिएगा। फिर भी कोई परेशानी होगी तो हमें याद कीजिएगा। यहाँ पर बात करूंगा आपके जीवन साथी के बारे में, तो निश्चित रूप से आपके जीवन साथी की वजह से अगर आप उनकी बात मानेंगे तो निश्चित रूप से आपके धन में कमी आती है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। यहाँ पर भाग्य के हालात निश्चित रूप से आपके अनुकूल है, आपके फेवर में, समय का फायदा उठाने का प्रयास करिएगा। पिताश्री के श्री चरणों का आशीर्वाद आपको लाभ पहुंचाएगा। और जो लोग एमपी एमएलए काउंसिलर की टिकट ढूंढ रहे थे या राजनीति में आप मंत्री पद ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, उनको निराशा का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे सभी लोग जो निराशा का सामना कर रहे हैं, निराशा से परेशान है, वो बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर वीडियो कॉल पर हमसे चर्चा करके, घर बैठे वन टू वन फेस टू फेस बात करके अपनी सभी प्रकार की समस्याओं का हल जान सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर हमारे यहाँ से मंत्र सिद्ध किए गए उपाय उनको घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। जय शनिदेव। बात करूंगा धनु राशि वाले व्यक्तियों के बारे में, यानी सैगिटेरियस जोड़ियाक साइन वाले व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ। 6 नवंबर के लिए आपका जो लक्की नंबर बनता है वो कोई भी नहीं है, वो बैड लक नंबर है, नंबर 8। जबकि 7 नवंबर के लिए आपका लक्की नंबर बनेगा लक्की नंबर 9। अभी जो आप अनवांटेड यात्रा को लेकर परेशान थे, अब आपका फोकस और आपका रुझान अपने भाग्य को बनाने के लिए लगेगा कि आप किस प्रकार से अपने भाग्य को मजबूत करके जीवन में आगे बढ़ सकें, दूसरों से कंपटीशन ले सकें और अपने जीवन में समस्त प्रकार की सुख सुविधाओं को जुटा सकें, उसको लेकर आप फोकस करेंगे। कार्यस्थल के हालात निश्चित रूप से कोई ना कोई शत्रु आपको परेशान करने का प्रयास करेगा, किसी स्त्री विशेष की वजह से भी आपको परेशानी हो सकती है। दिन में किया गया किसी प्रकार का अनैतिक कार्य आपको परेशान कर सकता है। और यहाँ पर जो युवक युवतियाँ कंप्लीट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, प्रमोशन इंक्रीजमेंट की कामना करके बैठे हुए थे, या फिर एमपी एमएलए काउंसिलर की टिकट या सरकार में मंत्री पद ढूंढ रहे थे, ऐसे सभी व्यक्तियों को निराशा का सामना करना पड़ेगा। जो स्टूडेंट हैं वो जरा अपनी पढ़ाई लिखाई पर फोकस करें तो निश्चित रूप से वो अपने कैरियर को बनाने में समर्थ हो सकेंगे। साथ ही साथ जो युवक युवतियाँ प्रेम संबंधों में, वो अपने प्रेम संबंधों में अगर परेशानी महसूस करते हैं तो बिना किसी के हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि जो आपका जीवन साथी के साथ जो संबंध है, निश्चित रूप से अभी तक आपको धन लाभ करा रहा था, अब आने वाले दिनों में वो खर्ची की तरफ मुखर होगा। थोड़ा सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा और कंट्रोल करके रखिएगा स्थितियों को, कहीं स्थिति आपके कंट्रोल से बाहर ना निकल जाए। भाई बहनों के साथ अचानक से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने की संभावना है, उनका साथ मिलने की संभावना है, जिनको मिलकर आपके साथ मिलकर वो आप लोग आगे बढ़ सकें। फिर भी जीवन में आ रही विभिन्न प्रकार की परेशानियों को दूर करने के लिए बिना किसी झिझक के हर शनिवार को हमारी शनिपीठ 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली में लगने वाले जनता दरबार, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें आप आकर हमसे मिल सकते हैं और अपनी सभी प्रकार की परेशानी के लिए उपाय जान सकते हैं। तो यहाँ आकर आप अपनी सभी प्रकार की परेशानियों के लिए उपाय जानकर अपने जीवन को सुख शांति और सौभाग्य से परिपूर्ण कर सकते हैं। तो आप सभी का स्वागत है जनता दरबार में। जय शनिदेव।